बात करेंगे साइड, ठीक है। साइड साइड यानी किल या मर्डर, हत्या, मारना, ठीक है। अब मारना किसको है उसी के आधार पर अगले रूट जोड़ दिए जाएंगे, नया वर्ड तैयार हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आ गया इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट, इन्फेंट माने होता है शिशु, ठीक है। यहाँ चाइल्ड लिखा है, नवजात बच्चे को कहते हैं इन्फेंट, ठीक है, शिशु। इसीलिए बाल हत्या भी कह सकते हैं इसको, या शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। साइड यानी हो गया हत्या, मर्डर किसकी, इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु की। अब इन्फेंट आप याद रखिए शिशु, उसमें साइड जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फेंटिसाइड। हमने ये फेंटिसाइड कहा, यानी इसी को कहते हैं, फेंटी का मतलब हो गया, इसको फोर्टस कहते हैं। फोर्टस यानी होता है भ्रूण, क्या होता है, भ्रूण। इसी को फोएटिसाइड भी कहते हैं, क्योंकि फोएट और फोएटिसाइड, साइड जोड़ दिया इसमें, तो फोएटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, ठीक है। या इसको फेंटिसाइड कह देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये भ्रूण हत्या, ठीक है। नेक्स्ट आया है फिलीसाइड। फिली, फिली का मतलब है चिल्ड्रन, बच्चों की हत्या, एक बच्चे की नहीं, बच्चों की हत्या, कई बच्चों को मार दिया गया। जैसे अभी यहाँ हो रहा है ना, वो कौन सा युद्ध, हमास और इजराइल का, वहाँ बच्चों को ले जा के मार दिए सब, क्या कर रहे हैं वो हमास वाले, फिलीसाइड। फिलीसाइड यानी चिल्ड्रन, बच्चों की हत्या, ठीक है। अगला है फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्री, ये फ्रैट्री एक रूट आ गया, साइड के साथ जोड़ा गया है। साइड तो आप देख रहे हैं किल और मर्डर, फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, भाई की हत्या हो जाए, भातृ हत्या, क्या, भातृ हत्या, यानी भाई की हत्या कर दिया तो क्या है वो, फैट्रीसाइड, ठीक है। जेनोसाइड, जेनो का मतलब होता है रेस, रेस माने होती है जाति, रेस यानी जाति, किसी जाति विशेष की हत्या कर दी गई, तब जेनोसाइड, ठीक है, जाति हत्या। जैसे परशुराम जी ने कर दिया किसकी, क्षत्रियों की, पृथ्वी भी क्षत्रिय भीन पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब किसी जाति की हत्या, ठीक है। होमिसाइड, होमी का मतलब होता है मैन या वुमन, दोनों के लिए कॉमन वर्ड हो गया होमी। होमी यानी आदमी या औरत, होमिशेप, होमोसेपियंस, तो उसी से है और क्या है, वो वहीं से है, रूट भी वहीं है। तो होमी का मतलब हो गया मैन वुमेन, इसका मतलब हो गया होमिसाइड, यानी नर हत्या भी कह सकते हैं और आदमी औरत की हत्या, नर में सब आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड। मैट्री, मैट्री से स्पष्ट है मदर के लिए आया होगा, तो ये मैट्री से तो हो गया, लेकिन फ्रैट्री नहीं कह देना पिता की हत्या, मैट्री से, जैसे यहाँ फ्रैट्रीसाइड माने ब्रदर हत्या है, लेकिन मैट्रीसाइड यानी मातृ हत्या, मातृहंता ना। और यहाँ पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों की हत्या कर दिया, तब क्या कहेंगे, पैरीसाइड। यानी ये पैरी जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, पेरेंट्स के लिए आया है, ये तो कॉमन दिख रहा है, कुछ मैच कर रहा है, मैट्रिस से भी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो फादर के लिए आया है पैट्रीसाइड, पैट्री यानी फादर के लिए, पैट्रीसाइड, ठीक है, पैट्रीसाइड यानी फादर की हत्या, और पैरीसाइड माने माता पिता दोनों की हत्या, और मैट्रीसाइड यानी माँ की हत्या। और ऊपर देखो फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है ब्रदर यानी भाई की हत्या। और इसके अलावा यहाँ देखो एक वर्ड आया है सोरोरीसाइड, किसकी हत्या, सिस्टर की हत्या, यानी सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर सब आ गए ना इसमें, और माता पिता, इनसे रिलेटेड वर्ड आ गया। तो इसी तरह से यानी ये जितना सबके साथ आ रहा है, पैरी का हो गया पेरेंट्स और पैट्री का हो गया फादर। इधर देखो रेजिसाइड, रेजी का मतलब होता है किंग या क्वीन, राजा रानी किसी की हत्या हो गई तो क्या होगा, रेजिसाइड माने
राज हत्या सुसाइड तो यहां एस यू आई को अलग कर लो तो इसका मतलब हो गया सेल्फ की हत्या, खुद की हत्या कर लिया। जो सबकी हत्या करेगा वो अपनी हत्या भी करेगा, सुसाइड हो गया ना। युगजोरी साइड, युगजोरी का मतलब वाइफ, पत्नी की हत्या, पत्नी हंता, ठीक है। और सोरोरी साइड यानी सिस्टर, यानी बहन की हत्या। अब यहां इसमें देखो, सोरोरी का मतलब सिस्टर, अभी जहां भी आए आपको ये समझना है कि सिस्टर के लिए आया वर्ड है। युगजोरी जहां भी आए वो वाइफ के लिए आया, सुई आया वन सेल्फ के लिए आया, रेजी जहां आएगा वो राजा के लिए और रानी के लिए आएगा, रेजी साइड ना। यानी इनका हर सब में एक एक ठो रूट मिल गया आपको। साइड का मतलब हो गया किल या मर्डर। एक बार पूरा देख ले, साइड यानी किल या मर्डर, साइड लग गया किसमें, इन्फेंटी में, तो इन्फेंटी साइड हो गया यानी शिशु हत्या। फैंटी साइड या फोएटी साइड का मतलब हो गया भ्रूण हत्या। फीली साइड यानी चिल्ड्रेन यानी बच्चों की हत्या। फ्रैट्री साइड यानी ब्रदर की हत्या। जेनो साइड यानी जाति की हत्या। होमी साइड यानी जो है नर हत्या या मनुष्य मानव आदमी और औरत दोनों की हत्या। मैट्री साइड का मतलब हो गया मातृहत्या। और पैरी साइड यानी माता पिता दोनों की हत्या। पैट्री साइड यानी फादर की हत्या। रेजी साइड यानी किंग या क्वीन राजा रानी की हत्या। सुसाइड यानी खुद की हत्या। और युगजोरी साइड यानी वाइफ की हत्या, पत्नी की हत्या। और सोरोरी साइड का मतलब सिस्टर की हत्या। यहाँ देखो ये तीन वर्ड अलग से हमने मतलब डेड बॉडी के लिए आने वाला वर्ड है। जैसे ये आता है मार्चरी, क्या है ये मार्चरी, माने होता है मुर्दा घर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मार्चरी हाउस जो होता है, हर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास एक तो मार्चरी हाउस होता है, मार्चरी हाउस यानी मुर्दा घर। यहाँ क्या होता है मार्चरी, क्या होता है, वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, यानी जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जहां रखी जाती है उसको मार्चरी कहते हैं, मार्चरी ना, पोस्टमार्टम के लिए। अब देखो नीचे मैंने लिखा पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम इसका क्या वो निकलता है, ये होता है शव परीक्षण। शव परीक्षण का मतलब क्या है, यहां देखो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी किसी डेड बॉडी की जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, जैसे जीवित आदमी जाता है पैथोलॉजी में अपना ब्लड टेस्ट करवाता है, अपने शरीर की जांच करवाता है, वो दूसरे जगह जाएगा पैथलैब में जाएगा, लेकिन जब डेड बॉडी हो गई तो डेड बॉडी का जो परीक्षण किया जाता है वो रखा जाता है कहाँ, मॉर्चरी में रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। और पोस्टमार्टम क्या है, तो उस मृतक शरीर की जो मेडिकल जो है वो जांच होती है, एग्जामिनेशन होती है, उसी को कहते हैं पोस्टमार्टम। और एक बीच में वर्ड है क्या, मॉर्ग। मॉर्ग माने होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए जहां शव रखे जाए, शव पहचान, शव पहचान के लिए। जैसे कभी कभी होता है ना, ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई तो वहाँ डेड बॉडीज एक जगह इकट्ठा करके रख दी जाती हैं, वहाँ जाकर के क्या कर किया जाता है, जो उनके परिजन होते हैं वो जाके उन शवों का क्या आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय देते हैं और उसे परिचय बताते हैं, तो उनको वो डेड बॉडी सौंप दी जाती है। तो वो जहाँ रखा जाता है उसको मार्ग कहते हैं, ठीक है। ये है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये तीनों वर्ड किसके लिए आ रहे हैं, डेड बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे जहां दफनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेव, कब्र, या उसी को चर्च यार्ड भी कहते हैं, कब्रिस्तान, हाँ सिमेट्री, तो हाँ सिमेट्री भी कहते हैं। और जहां जलाया जाता है श्मशान घाट को क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम ना, जहां श्मशान जलाया जाता है उसको, ठीक है भाई। अब जब बात शुरू हुई है हत्या से लेके तो दफनाने और जलाने तक चल पहुंचो, जिनकी भी हत्या होती है उनका क्या होता है, पोस्टमार्टम, मार्चरी में भी जाते हैं, पोस्टमार्टम भी होता है, और वहाँ मॉर्ग भी होता है, यानी उनकी पहचान भी करनी है, इन सब जगहों पर जाएगा, उसके बाद या तो दफनाया जाएगा या तो जलाया जाएगा, या तो क्रीमेटोरियम में जाएगा या ग्रेव में, क्या कहते हैं उसको, चर्च यार्ड में जाएगा।